सब्सक्राइब कीजिए रीजनिंग के फंडे को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के फंडे में। दोस्तों, सीटेट 2018 की मार्कशीट आ चुकी हैं। इस बार आपको घर पर कोई भी मार्कशीट नहीं भेजी जाएगी, आपको खुद डाउनलोड करनी है और उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लेना है। तो इस सीटेट 2018 की मार्कशीट कैसे डाउनलोड करनी है? दोस्तों, इस बार सीटेट 2018 की मार्कशीट आपको डिजी लॉकर ऐप में मिलेगी। तो डिजी लॉकर ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसका अकाउंट बनाना है और किस प्रकार आप अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि डिजी लॉकर ऐप को कैसे डाउनलोड करें और कैसे आप अपनी सीटेट की मार्कशीट डाउनलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डिजी लॉकर और इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये डिजी लॉकर ऐप का आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन एंड साइन अप। अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आती है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो कि आपने सीटेट के ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त डाला था। तो वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी बनानी है। यूज़र आईडी बनाने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी दोस्तों आपको @ से पहले की डालनी है। @ और gmail.com आपको नहीं लिखना है। उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। दोस्तों, पासवर्ड में आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल करेक्टर और कम से कम एक डिजिट जरूर होनी चाहिए। पासवर्ड आपका 8 से 10 करेक्टर का होना चाहिए। उसके बाद आप कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे, फिर आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसका देखिए आपको क्या। तो जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सेट मोबाइल पिन। तो यहाँ पर आपको एक 4 अंकों का एक पिन सेट करना है, जैसे कि आप ATM में 4 अंकों का पिन सेट करते हैं। यहाँ पर भी आपको 4 अंकों का पिन सेट करना है। तो पिन सेट करने से आपको यह आराम हो जाएगी कि आपको बार बार अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालना होगा। जैसे ही आप अपना डिजी लॉकर ऐप खोलेंगे, आप सिर्फ 4 अंकों का पिन डालकर अपना डिजी लॉकर ऐप खोल सकते हैं। तो पिन सेट करने के लिए आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन गया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 4 अंकों का पिन डाल देना, जो भी आप पिन बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप 4 अंकों का पिन डाल देंगे, आप इस वाली विंडो पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड लिंक करना है। आधार कार्ड लिंक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, फिर इस बॉक्स पर टिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक था, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल देंगे, फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। सीटेट की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। यहाँ गेट मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गेट मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये लिस्ट ओपन होकर आएगी। उसके बाद देखिए आप यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मार्कशीट की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मार्कशीट। तो इन दोनों पर क्लिक करके आपको जो भी डाउनलोड करना हो उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले अपना रोल नंबर डालेंगे सीटेट का, और फिर आप यहाँ पर किस वर्ष आपने सीटेट दिया या किस मंथ आपका सीटेट का एग्जाम था उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इस बॉक्स पर टिक करेंगे, फिर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका सर्टिफिकेट या आपकी मार्कशीट आपके सामने आ जाएगी, जिसे आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रीजनिंग के फंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।